जी वेलकम बैक प्यारे बच्चों। अगर आप सब वापस आ चुके हैं तो हम अपनी क्लास का वापस आगाज करते हैं। मार्च की 2 तारीख, इफ्रा फसी, ओवर टू यू अगेन। यस सर। सर प्रीपेड रेंट डेबिट है 60,000 और कैश क्रेडिट है 60,000। वेरी गुड, सर इसकी एक्सीलेंट। ड्यूरेशन है टू रिकॉर्ड प्रीपेड रेंट। थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दें तो अच्छा हो जाएगा, जरा थोड़ा सा, बहुत माइनर, 2-3 लाइनें, 1-2 लाइन मुनासिब। शाबाश, कर सकती हैं आप। मतलब सिर्फ ये बता दें कि प्रीपेड रेंट क्यों लिखा है आपने, प्रीपेड शॉप रेंट क्यों लिखा है, सिर्फ इतना बता दें। सर क्योंकि रेंट इन एडवांस दिया है हमें, 10 months का बिल्कुल, रेंट हमने एडवांस में दिया है। इसका मतलब है आम इंसान इसको अदा करते हुए कहता है हाय हो गया खर्चा, लेकिन अब आप कह रहे हैं ये खर्चा नहीं हुआ, बल्कि ये हमारा, हमारा एसेट है, वेरी गुड, एक्सीलेंट, और हमारे एसेट में हो रहा है। इजाफा। एसेट का नाम है प्रीपेड शॉप रेंट या प्रीपेड रेंट, और एसेट बढ़े तो डेबिट, तो प्रीपेड रेंट डेबिट हो गया, और पेड का मतलब कैश गया, तो कैश क्रेडिट हो गया 60,000। नरेशन एक बार दोबारा बोल दीजिए प्लीज। टू रिकॉर्ड प्रीपेड रेंट। ओके, अभी आप रुकेंगी हमारे साथ। बाकी बच्चे अगर इस यस सर। एंट्री पे कंफ्यूज हैं तो जल्दी से हैंड रेस करें या अनम्यूट करके बोलें कि सर समझ में नहीं आया, अदरवाइज मैं आगे बढ़ रहा हूं। कोई कंफ्यूज है तो हैंड रेस कर ले या अनम्यूट करके बोले सर ये बात समझ में नहीं आ रही, अदरवाइज मैं आगे बढ़ रहा हूं। आई थिंक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम मार्च की 4 तारीख के एंट्री इफ्रा से सुनेंगे। जी प्लीज। सिर्फ परचेजेस है 2,500 की डेबिट और कैश 2,500 का क्रेडिट में जाएगा और इसकी नरेशन है टू रिकॉर्ड परचेज ऑफ कंप्यूटर्स। सिर्फ दोबारा बोलो इफ्रा एक बार। परचेजेस डेबिट में जाएगा 2,500 और कैश क्रेडिट में जाएगा 2,500 का और सोच इसकी लो, नरेशन सर है टू रिकॉर्ड परचेज। सोच लो, सही बनाइए एंट्री। जनाब तुम सोचो, मैं आ रहा हूं इतनी देर तुम्हारे पास दोबारा, तुम म्यूट कर लो और सोचो। बारी आई, बारी आई मेरे प्यारे भाई राशिद अहमद की। जी राशिद भाई, आपकी बारी आ गई दोबारा। सर इफ्रा ने जो एंट्री सुनाई है, मेरा बेटा, अगर आप उससे एग्री करते हैं तो आप बोलें सर ठीक है, और अगर एग्री नहीं करते तो आप इसकी एंट्री बताएं। मार्च की 4 तारीख प्लीज। सर मेरे ख्याल से तो सही है। अच्छा, आपके ख्याल से सही है। ओके सर, क्या कही है उन्होंने एंट्री, जरा अगर आपने बनाई हुई है ना अल्हम्दुलिल्लाह अपनी नोटबुक में, जी सर बनाइए। तो क्या बनाई हुई है, आपने लिखी हुई क्या है, जरा वो पढ़ के सुना दे। परचेजेस डेबिट होगा और क्रेडिट हमारे पास कैश होगा। ओके चलें, थैंक यू, मैं और भी किसी से मालूम कर लेता हूँ एक बार। आयशा नूर, मेरा बेटा आप मुझे कंफर्म करें, आपने ये एंट्री बनाई है, आप एग्री करती हैं, डिफरेंट है तो बताइए। सर मैंने इक्विपमेंट्स लिखा है, डेबिट होगा 25,600 से और कैश क्रेडिट होगा 25,600 से। तो आपने ये परचेजेस क्यों नहीं लिखा भाई, आपने दो बच्चे कह रहे हैं परचेजेस लिखो और आप इक्विपमेंट सर लिख के क्योंकि बैठ गए। कंप्यूटर है, वेरी गुड, इतना सिंपल जवाब है। सर कंप्यूटर इक्विपमेंट्स में जब हम खरीदते हैं, क्या परचेजेस कब लिखते हैं आयशा, जब हम खरीदते हैं, कंप्यूटर नहीं जब हम कंप्यूटर या नहीं कोई खरीदते, भी इक्विपमेंट। नहीं परचेजेस का वर्ड अकाउंटिंग में हम कब लिखते हैं ये पूछ रहा हूं, परचेजेस का जब हम वर्ड। मर्चेंडाइज खरीदते हैं। एक्सीलेंट, ये है जवाब। आई थिंक इफ्रा और हमारे प्यारे भाई राशिद की याददाश्त वापस आ गई होगी। आयशा एक बार दोबारा एंट्री सुना दें प्लीज। इक्विपमेंट डेबिट होगा 25,600 से और कैश क्रेडिट होगा 25,600 से ओके और जी, इसकी नरेशन बनेगी टू रिकॉर्ड परचेजेस कंप्यूटर। टू रिकॉर्ड परचेज कंप्यूटर ऑन कैश या टू रिकॉर्ड परचेज कंप्यूटर, इनफ होगा। ओके जी,
मेरा ख्याल है कि आप सब लोगों को मैंने तकलीफ दी, आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं आपको F16 उड़ा के दिखाऊं ताकि हम कुछ नया भी डिस्कस कर सकें, वरना इसी होमवर्क पे क्लास खत्म हो जाएगी। हाँ, F16 के लिए तैयार हैं सब लोग? जहाज शुरू करूं उड़ाना? सीट बेल्ट टाइट कर लिया आप लोगों ने? जहां पे दिल चाहे चिंची समझ के रोक लीजिएगा, नहीं रोका तो आप नुकसान में रहेंगे, याद रहे। हाँ, जहाज उड़ने लगा है। ओके जी, आप सब लोगों ने मार्च की 5 तारीख को परचेज इस डेबिट लिखा, अकाउंट्स पेबल क्रेडिट लिखा 1,10,000 रुपीज। मार्च की 6 तारीख को एडवर्टाइजिंग के 17,000 रुपए अदा किए, तो इसका मतलब है एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस डेबिट लिखा और कैश क्रेडिट लिखा 17,000 रुपीज। मार्च की 10 तारीख को परचेजेस डेबिट में लिखा और कैश क्रेडिट में लिखा 25,000 रुपीज। सर आप नरेशन नहीं बोल रहे, जहां आपको लगे कि इसके नरेशन आप सुनना चाहते हैं या मुश्किल है आप जरूर पूछ लीजिएगा। मेरे हिसाब से जितने बच्चों ने मुझे नरेशन सुनाई अलहमदुल्ला सबने मुनासिब सुनाई, किसी ने इंग्लिश की टांगे नहीं तोड़ी, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसका मतलब आप नरेशन लिख सकते हैं। मार्च की 19 तारीख को आपने एंट्री बनाई ऑफिस सप्लाईज डेबिट अकाउंट्स पेएबल क्रेडिट 50,000 रुपीज। मार्च की 20 तारीख को आपने एंट्री बनाई अकाउंट रिसीवेबल डेबिट 10,000 रुपीज, सेल्स क्रेडिट 10,000 रुपीज। मार्च की 22 तारीख को आपने एंट्री बनाई, क्या बनाई आइए पहले अंग्रेजी पढ़ लें फिर एंट्री बनाते हैं। प्रोप्राइटर परचेज गोल्ड रिंग, मालिक ने खरीदी, क्या खरीदी मेरा बेटा, क्या खरीदी मेरा बेटा, लिख के भेजना है फटाफट गोल्ड रिंग। और गोल्ड रिंग खरीद के उसने अपनी दुकान के शोकेस में रख ली और बोला बेचूंगा। हाँ, क्या ख्याल है? नहीं तो फिर अपनी अम्मा के लिए खरीदी? हाँ सर, हो सकता है अपनी अम्मा के लिए, और अपनी अम्मा के लिए नहीं तो हो सकता है बच्चों की अम्मा के लिए खरीदी हो, क्या ख्याल है? अबे किसी के लिए भी खरीदी हो, आमतौर पर गोल्ड रिंग इंसान बिजनेस के कामों के लिए खरीदता। गोल्ड रिंग सर, हो सकता है वो गोल्ड रिंग खरीद के बेच रहा हो, अगर वो गोल्ड रिंग खरीद के बेचता तो फिर वो उसे गोल्ड रिंग बोलो, अगर वो गोल्ड रिंग खरीद के बेचता तो वो उसे गोल्ड रिंग नहीं कहता, क्या कहता फाइस भाई? वो उसे मर्चेंडाइज कहता है। इसका मतलब है गोल्ड रिंग यकीनन उसने अपने घर के लिए खरीदी है और बिजनेस के पैसों से खरीदी है, तो ये तो क्या कहलाती है? यकीनन आप सबने एंट्री बनाई है ड्रॉइंग डेबिट और कैश क्रेडिट 5,000 रुपीज। एक्सीलेंट, वेरी गुड, खुश रहिए प्यारे बच्चों। देखो अगर तुम पीछे रह गए ना तो तुम बहुत पीछे रह जाओगे, याद रखना मैं सीरियस बता रहा हूँ। अगर तुम पीछे रह गए तो तुम इतने पीछे रह जाओगे कि तुम्हें जीरो से शुरू करनी पड़ेगी अकाउंटिंग दोबारा, क्योंकि ये जर्नल जर्नल बुनियाद है, जर्नल जर्नल बन, तुम हेड ऑफ अकाउंट्स पढ़ चुके हो, तो हेड ऑफ अकाउंट्स पढ़ लिया, रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पढ़ लिया, जी बच्चों ड्राइंग डेबिट और कैश क्रेडिट। किसी को भाई एतराज है, तकलीफ, घबराहट, चक्कर, ठंडे पसीने, कोई अलामत है तो बताओ जल्दी यार, वरना मैं मार्च की 25 तारीख की एंट्री सुनाऊं। ओके जी, आगे बढ़ता हूँ। मार्च की 25 तारीख सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कैश डेबिट 1,00,000 रुपीज, सेल्स क्रेडिट 1,00,000 रुपीज। मार्च की 29 तारीख को सैलरी दी सेल्स मैन को, अबे सेल्स मैन को दो या किसी को भी दो। उमैद कहते हैं सर 10 ईयर में ट्रांजेक्शन काफी है सेक्शन बी में। जी भाई मतलब 5 ईयर में ये सवाल बहुत है, आप ये कहना चाह रहे हैं अगर मैं गलत नहीं समझ रहा। जी भाई ये जनरल जनरल का सवाल हर साल आता है सर, और अगर आपको जनरल जनरल बनाना आ गया तो आपको जनरल लेजर बनाना आएगा, आपको कैश बुक बनानी आएगी, आपको स्पेशल जनरल बनाना आएगा, आपके सेक्शन बी आपको आ जाएगा कंप्लीट अटेम्प्ट करना, 4 सवाल कर लेंगे आप सेक्शन बी से। और अगर आपका जनरल जनरल वीक रहा तो आपकी पूरी अकाउंटिंग कमजोर पड़ जाएगी। मैंने हेड ऑफ अकाउंट्स और रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पे बहुत टाइम लगाया सिर्फ इसी वजह से कि आप अपनी बुनियाद अच्छी करें। तो उमैद भाई जैसी आप लोगों को फुर्सत मिले तो आप प्लीज ये काम कीजिएगा, आपसे शाहजैन से और आशिर भाई जैसी आपकी तबीयत मुनासिब हो आप काम कर लीजिएगा प्लीज, वरना मुश्किल में आ जाएगी जिंदगी, आप बोलेंगे यार कहाँ फंस गए पड़ के। चलें जी, सैलरी टू सेल्समैन की एंट्री बनाई सैलरीज एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट। दोबारा कह रहा हूँ सैलरीज एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट। अगला पॉइंट पढ़ रहा हूँ, लास्ट पॉइंट। ओपन अ बैंक अकाउंट खोला तो एंट्री बनाई बैंक डेबिट कैश क्रेडिट 50,000 रुपए। दोबारा कह रहा हूँ बैंक डेबिट कैश क्रेडिट 50,000 रुपए। मेरे मुताबिक क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर
19 कंप्लीट. नाउ वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 23. पहले मैं चेक कर लूं मेरे पास फॉर्मेट में क्वेश्चन नंबर 23 है या कोई और है. एक बार हम चेक कर लें फिर हम इस क्वेश्चन को आगाज करते हैं. राइट, यस एग्जैक्टली. क्वेश्चन नंबर 23 पर अब हम मौजूद हैं. अल्हम्दुलिल्लाह आप अपने क्वेश्चन को परफॉर्म कर चुके हैं. शुक्रिया आप सबका बहुत बहुत. इसको ग्रीन कर दिया, ग्रीन सिग्नल. अब रेड सिग्नल है क्वेश्चन 23 पर. सर क्या ये होमवर्क है? पहले डिस्कस करते हैं. अगर आप मान गए तो होमवर्क, आप नहीं माने तो फिर इसको अभी करेंगे या जो भी मुनासिब होगा कर लेंगे. ओके आशीर भाई, आप परेशान नहीं हो, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा. बिल्कुल मिल जाएगा, आपका हक है, आप रिकॉर्डेड लेक्चर रिसीव कर लेंगे. याद रहे आप तमाम लोगों को रिकॉर्डेड लेक्चर आपके जीमेल की मेल में रिसीव होगा. एक मेल आएगी और आप उस मेल से उस रिकॉर्डेड लेक्चर को चला सकेंगे. ठीक है, आपके ईमेल एड्रेस मैंने आपसे इसीलिए लिखवाए थे कि मैं अगर उसको देख के लिखता और अगर गलती हो जाती तो आप बोलते सर ईमेल एड्रेस गलत है आपके पास. आपने मुझे टाइप करके भेजे हैं, मैंने उसको एज इट इज कॉपी किया हुआ है. सही है, तो आपके ईमेल एड्रेस में अगर गलती हुई और आपको मेल ना मिले, सही है, और आपके दोस्त बोले हमें तो आ गई. दोस्त से मुराद कौन से दोस्त? जो इस वक्त क्लास में है. अगर इसमें आपका कोई दोस्त है, पार्टिसिपेंट लिस्ट में जाके देख लें आपके कौन कौन से दोस्त इस वक्त क्लास में है, तो आप उन्हीं से कंफर्म कर सकते हैं और किसी से नहीं. ठीक है, गर्ल्स ग्रुप पे अपने बता दें भाई वीडियो आ गई है. ठीक है, और याद रहे अब आप अपना जो लिंक आपके पास आता है वो आप अपने दोस्तों से शेयर नहीं करेंगे, क्योंकि आपका क्लास का लिंक और जो है वो आपको कोचिंग की तरफ से भेजा जाएगा. अगर आप ऐसा करेंगे तो पता है क्या होगा प्रॉब्लम हाशिर साहब? प्रॉब्लम ये होगी कि फिर आपकी क्लास में डिस्टरबेंस बहुत होगी, फिर आप ही का नुकसान होगा. फीस आप भरें, नुकसान भी आप बर्दाश्त करें, फायदा. हाशिर भाई आपके पास लिंक तो आ गया था ना, तो कोई बात नहीं, बस आप क्लास में आते रहें, आप इंशाल्लाह आसानियाँ हो जाएंगी, टेंशन नहीं लें. आप मुझसे सुबह पूछ लीजिएगा, बस सुबह तकरीबन आप मुझसे 9-10 बजे के बाद पूछ लीजिएगा कि सर वीडियो अपलोड कर दिए, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा. और बोलें सर बस आपके लिए मैं अवेलेबल हूँ. ठीक, अच्छा बच्चों क्वेश्चन 23 पे आ जाओ, शाबाश, ये पढ़ते हैं और फिर ऑफ करेंगे क्लासेस के बाद. तो भाई आपने क्या एक भी रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं देखा? आप मेरे साथ डे फर्स्ट से नहीं है इस क्लास में, ये बताएं आशिर साहब, ये बताइए आप मेरे साथ डे फर्स्ट से नहीं है क्या? सेक्शन सी के स्टूडेंट है ना भाई आप? हाशिर भाई जल्दी रिप्लाई कर दें यार, पूरी क्लास रुकी हुई है. सर सिंपल तरीका था अनम्यूट करके बात कर लेते, आपने इतने सारे मैसेज टिका दिए मुझे. हाँ तो आपने 3 क्लासेस नहीं ली है ना प्यारे भाई, तो आपको लिंक नहीं भेजे मैक वालों ने? भेजे नहीं भेजे तो कोई दोस्त से मांग लें यार, वो तो सबके पास आए हुए. आज से जो लिंक आएंगे वो आप भेजेंगे भी तो कोई फायदा नहीं होगा आपके दोस्त आपको, और आप अपने दोस्तों को भेजेंगे उन्हें भी कोई फायदा नहीं होगा. भाई आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको लिंक दे दूंगा. और बताएं भाई, मैं आपको पढ़ाने के लिए हर तरह से काम करने को तैयार हूँ, आप मुझे बोल दीजिएगा. आपने मेरा चैनल देखा हुआ है सर, इमरान खान कॉमर्स फोरम, वहां चले जाइएगा, वहां से देख लीजिएगा सर. सही है, चैनल आपको मेरा चैनल पता है. अब मैं अपने चैनल की पब्लिसिटी करता हूँ ना, मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब करें ना प्यारे भाई, वहां पे वीडियोस आती हैं सारी पढ़ाई से रिलेटेड, हंसी मजाक की भी वीडियो डालते हैं, इस तरह की वीडियोस होती हैं, तो वो जाके सब्सक्राइब कर लें चैनल को. वहां पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है कि फर्स्ट ईयर की क्लास ऑल सेक्शन इस तरह से लिखा हुआ है मैंने, वो मैं डालता हूँ वहां पर. ठीक है, अच्छा जी, फाइनली क्वेश्चन नंबर 23 इज ऑन स्क्रीन. A trader started business on January 1st, 2007 by investing cash rupees 60,000 in equipment worth 40,000. During the month, the following transactions were completed. I think आप इसकी एंट्री अल्हम्दुलिल्लाह बना सकते हैं. एक शख्स ने कारोबार शुरू किया, कैश 60,000 रुपए, इक्विपमेंट 40,000 रुपए लगाकर आप एंट्री बना लोगे, मुझे पूरा यकीन है. इसके बाद कहता है फर्स्ट पॉइंट में परचेज मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट 40,000. क्या खरीदी प्यारे बच्चों, क्या खरीदी प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी मैसेज करो. शाबाश, मर्चेंडाइज खरीदनी, मर्चेंडाइज खरीदने को कहते हैं परचेजेस. किस पर खरीदनी मेरा बेटा, किस पर खरीदनी मेरा बच्चा? खवातीन को मैसेज करने से मना किया हुआ है क्या? उंगलियों में मेहंदियां लगाई हुई है खवातीन ने. जी सब रिप्लाई करें, शाबाश. क्रेडिट पर खरीदनी, क्रेडिट पर मेरा बेटा. कैश पे कहाँ खरीदनी आयशा, आयशा कैश पे कहाँ खरीदनी जल्दी बताओ. शाबाश, कहाँ लिखा है कैश पे खरीदनी? क्या यहाँ लिखा है परचेज मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट एंड परचेज मर्चेंडाइज ऑन कैश? जी आयशा बताइए. नहीं ना मेरा बेटा, तुम उससे आगे नहीं भागना, धक्का देके गिरा देता हूँ मैं, पता है ना.
बस यहाँ तक पढ़ो, परचेज मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट 40,000, मर्चेंडाइज खरीदनी 40,000 रुपए की, किस पर? क्रेडिट पर, उधार पर। बस इसका मतलब है मर्चेंडाइज खरीदनी उधार पर। यहाँ तक सबको समझ आया? इसके एंट्री लिख के भेजे मुझे, इसके एंट्री लिख के भेजे मुझे फटाफट, जल्दी से, शाबाश। इसकी एंट्री लिख के भेजे मुझे, शाबाश। शाहजैन तुम सुनाओगे इसकी एंट्री अनम्यूट करके, अगर सुनाना चाहो तो, तुम्हारी मर्जी, जबरदस्ती के सौदे पसंद नहीं मुझे। शाहजैन भाई आप अनम्यूट करके इसकी एंट्री सुनाना चाहेंगे? इतनी बात की जितनी मैंने पढ़ी, परचेज मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट 40,000। ओके शाहजैन भाई ने मना कर दिया, तो फिर जब मना कर दिया तो ठीक है भाई, मर्जी आपकी। परचेस डेबिट हो रहा है 40,000 से, शुक्रिया। और क्रेडिट कौन हो रहा है बेटा? क्रेडिट भी बोलना था ना, एक साथ एंट्री पूरी लिख के भेजा करो। ये क्या आधी आधी एंट्री लिख के भेजते हो मुझे, आधे आधे लोग पसंद नहीं है। अकाउंट पेबल क्रेडिट, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी 40,000 से, तो सर फिर ये क्या ड्रामेबाजी है ये? एंड बेटा ये बात अलग है, ये बात अलग है सर, लेकिन दोनों एक ही साथ बताए गए। देखो याद करो, अभी पूछता हूँ, ये बताओ आप में से कौन समझता है कि उसे कंपाउंड एंट्री के बारे में पता है अच्छे से? वो हैंड रेस करे जो समझता है उसे पता है कंपाउंड एंट्री के बारे में। किस बच्चे को अच्छे से पता है? मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि वो टीचर है, लेकिन वो जानता है कि हाँ उसने सुना है व्हाट इज कंपाउंड एंट्री है। ओके चलो अरहमा को मौका देते हैं, अरहमा को। अरहमा आप बताओ, अरहमा मेरा बेटा बताओ, कंपाउंड एंट्री में क्या चीज, क्या ऐसी चीज है जिसकी बेसिस पे हम कंपाउंड करते हैं एंट्री को? बताओ, शाबाश। गलत भी बताओगी तो मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं सिर्फ चाह रहा हूँ आपकी पार्टिसिपेशन। यस जी अरहमा प्लीज। जी सर। बेटा कंपाउंड एंट्री, दो एंट्रीज एक साथ होती हैं तो उसके लिए हम लोग कंपाउंड एंट्री भी बना सकते हैं या फिर सिंपल एंट्री भी बना सकते हैं। लेकिन लेकिन कंपाउंड करने से फायदा क्या होता है? कंपाउंड एंट्री, कंपाउंड करने से फायदा क्या होता है सर? हमारा टाइम बचता है, एक बनानी पड़ती है तो कंपाउंड में क्या कोई चीज कम हो जाती है? नहीं सर। सोच लो अच्छे तरीके से, क्या किसी अकाउंट को एक बार लिखना पड़ता है? चलो तुम सोचो, मैं तुम्हारे पास दोबारा आ जाऊंगा अगर मुझे मौका मिला। फाइज भाई बताएंगे मेरे, फाइज भाई आप चले क्यों गए? आपने हैंड रेस किया हुआ था सर, हम तो बड़ी उम्मीद से थे कि आप जवाब देंगे। हार मान ली क्या फाइज साहब? सर मेरा भी वही जवाब था क्या जो उन्होंने दिया, तो आप अपनी जुबान में समझाइए दोबारा, बताइए। टाइम बचता है, वो तो आप ये बता रहे हैं। एक एंट्री, हाँ बोलो बोलो, शाबाश। कंपाउंड जो बनाते हो तो बोलो, एक एंट्री, एक ही एंट्री जब उसमें लिखा हुआ होता है तो एक ही बनानी होती है, और दो दो भी बना सकते हैं लेकिन उसमें टाइम बचता है, और बस यही है। देखो देखो फाइस, ये तो आप मुझे बेनिफिट बता रहे हो, ये आप मुझे बेनिफिट बता रहे हो कि टाइम बचता है। कैसे टाइम बचता है? दो एंट्री को मिला के एक एंट्री बनती है तो उसमें क्या खासियत होती है? खासियत याद दिलाओ ना, क्या ऐसा होता है कि टाइम बच जाता है, ये पूछ रहा हूं मैं। अच्छा अब अगर आप में से कोई भी जानता है ना तो वो अनम्यूट करके बता सकता है। आप में से कोई भी अगर जानता है तो वो अनम्यूट कर और बता सकता है। जी इफ्रा प्लीज। जो अकाउंट कॉमन होते हैं वो एक ही दफा लिखते हैं। खुश रहो मेरा बेटा, खुश रहो। बाकी लोगों का नशा जब टूट जाए तो वो इनकी इस बात पे गौर कीजिएगा। वो जो आपने सस्ता नशा किया ना सब लोगों ने, उसकी वजह से आप लोग उल्टे सीधे जवाब दे रहे हैं। अबे बेवकूफ लोगों, जब दो एंट्रीज में कोई अकाउंट सेम हो, जुमले सुन रहे हो मेरे? हैं क्या बोला मैंने? आबिदीन रिपीट करो मेरा बेटा, आबिदीन रिपीट करो, शाबाश। मैंने क्या बोला? आबिदीन रिपीट कैसे करेगा, वो तो क्लास में ही नहीं है, अल्लाह माफ करे। है आबिदीन भाई, रिपीट कर दें। मैंने क्या बोला? जब दो एंट्रीज में कोई एक अकाउंट सेम हो सर, सेम हो, तो भाई दोनों उस अकाउंट को दो दो बार लिखते आबिदीन नहीं है तो फिर इस तरह वक्त बचता है ना। क्यों फाइज भाई अब बताएं, क्या ऐसे मुनासिब है बोलना? क्यों अरहमा, ऐसे बोलना अच्छा है ज्यादा? एक्नॉलेजमेंट चाहिए। G
जी सर, जी सर, शुक्रिया। यानी जब दो एंट्रीज में कोई एक अकाउंट सेम हो तो कंपाउंड करने का फायदा है, लेकिन अगर दोनों एंट्रीज में एक भी अकाउंट सेम ना हो तो फिर कंपाउंड एंट्री बनाने का कोई फायदा नहीं है, बल्कि कंपाउंड बनाने से हमारा दिमाग खराब होने के इम्कान हैं। फाइज भाई सुना आपने, आपका माइक अनम्यूट हुआ है जी। अगर दो एंट्रीज में कोई अकाउंट सेम नहीं है और फिर भी आप चैंपियन बनकर क्या करना चाह रहे हैं, कंपाउंड बनाना चाह रहे हैं, तो हो सकता है कि आप सही काम करते करते गलत कर दें इस चक्कर में। आप सबने मेरी बात सुन ली है, तो अब जरा मुझे बताइएगा इसकी एंट्री क्या सुनाई थी, परचेजेस डेबिट अकाउंट पेबल क्रेडिट 40,000 और उसके बाद एंड पेड कार्टेज ऑन इट 2000 कैश। सर ये है क्या, पहले तो ये बताएं। और भाई उसको अपने ऑफिस तक लाने के लिए किराया अदा किया गधा गाड़ी वाले को, ऊंट गाड़ी वाले को, बैल गाड़ी वाले को, किसी रेड़ी वाले को 2000 रुपए किराया अदा किया। तो ये किराया हमारा क्या है बोलो। शुक्रिया, शुक्रिया किसका, फाइज भाई का, आयशा का और किसी का नहीं, और अरहमा का और शाहजैन का। शाहजैन भाई जवाब तो आप देते हैं लेकिन काम नहीं करते, ये बहुत बुरी बात है। कशिश का, इफ्रा का, हाफिज साहब का और सभी का शुक्रिया हो गया। बचा कौन, वैसे भी थोड़े बहुत ही कोई बचे होंगे। भाई ये कार्टेज हमारा एक्सपेंस है, खर्चा है, तो कार्टेज एक्सपेंस डेबिट, खर्चा बढ़ रहा है और क्या गया हमारे पास से, क्या गया हमारे पास से, जल्दी बता दो यार, बहुत टाइम हो गया भाई। कैश गया, तो जरा अब मुझे बताना, अब जरा मुझे बताना, मेरी आवाज में सुन लो, चलो क्या याद करोगे, मेरी खूबसूरत आवाज में सुनो बेटे। पॉइंट वन ए, क्या बोल रहा हूँ, पॉइंट वन ए परचेजेस डेबिट अकाउंट पेबल क्रेडिट 40,000, ये हो गई 1A एंट्री, सही है। 1B कार्टेज एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट 2000 रुपए, ये 1B है। मैंने दोनों को अलग अलग सुनाया, 1A 1B। तुम मुझे बताओ अगर तुम इसको कंपाउंड करोगे तो कौन सा अकाउंट एक जैसा है, पहले तो ये बताओ जल्दी से, शाबाश। किसी को समझ नहीं आ रहा तो हम लिख के काम करने के लिए हम वक्त तैयार रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये कौन सा क्वेश्चन है जिस वक्त हम डिस्कस कर रहे हैं, दिस इज क्वेश्चन नंबर 23। बोलिए कौन सा अकाउंट सेम है जनाब, क्या आप लोग कैश का अकाउंट बोल रहे हैं सेम है? खुदा ना खास्ता, मुझे ऐसा लगा। कोई भी अकाउंट सेम नहीं है, है ना, कोई भी अकाउंट सेम नहीं है ना प्यारे बच्चों। तो बेटा अगर कोई बच्चा कंपाउंड बनाएगा तो उसकी कंपाउंड एंट्री गलत नहीं होगी, लेकिन उसकी कंपाउंड बनाने का फायदा क्या है जरा देखना। एक एंट्री थी क्या, मैं यहाँ लिख रहा हूँ तुम्हारे लिए खसूसी तौर पर, सबके लिए मैं यहाँ लिखने लगा हूँ। पहली एंट्री मेरा बच्चा क्या, 1A, सही है। अबे यहाँ लिख दिया गलती से, 1A क्या बनेगी, परचेजेस डेबिट और क्या क्रेडिट भाई, अकाउंट पेबल, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको तकलीफ नहीं होगी। और उसके बाद दूसरी एंट्री, कार्टेज एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट, दूसरी एंट्री। ओ भाई ये दो अलग अलग एंट्रियाँ हैं, पहली वाली कितने से है मेरा बच्चा, 40,000, दूसरी वाली 2000, है ना। 40,000 से परचेजेस, इसकी नरेशन अलग, टू रिकॉर्ड परचेज ऑन अकाउंट, इसकी नरेशन टू रिकॉर्ड पेमेंट ऑफ कार्टेज एक्सपेंस, राइट। अच्छा टू रिकॉर्ड पेमेंट ऑफ कार्टेज एक्सपेंस, एक ये हो गई। अच्छा अब हैंड डाउन कर लीजिएगा, और हम हाफिज साहब और इफ्रा हैंड डाउन कर लें। अच्छा दो अलग अलग एंट्रियाँ हैं, टू रिकॉर्ड परचेज ऑन अकाउंट, टू रिकॉर्ड पेमेंट ऑफ कार्टेज एक्सपेंस। अब अगर कोई बच्चा बोले नहीं भाई मैं तो बहुत चैंपियन हूँ और मैं तो कंपाउंड बनाऊंगा, सर ने बोला था एक ही दिन बताइए ये बातें, कंपाउंड बना लो, चलो आओ कंपाउंड बनाते हैं। कंपाउंड बनाने से क्या फायदा होगा, कौन सा वक्त बचेगा, हम भी देखते हैं। जो बच्चा कंपाउंड बनाएगा वो कहेगा परचेजेस डेबिट, कार्टेज एक्सपेंस डेबिट, बल्कि उसके लिए एंट्री कंफ्यूजिंग हो जाएगी, शायद वो गलती भी कर सकता है पेपर में। क्या ख्याल है बताओ, क्या फायदा हुआ बोलो। 40,000 से परचेजेस डेबिट, 2000 से कार्टेज एक्सपेंस डेबिट, अकाउंट पे बिल 40,000 से क्रेडिट, 2000 से कैश क्रेडिट। बताओ कोई वक्त बचा, बल्कि तुमने कॉम्प्लिकेटेड कर लिया काम।
मुझे पूरा भरोसा और उम्मीद है कि अब पूरी क्लास को याद रहेगा अल्लाह के हुक्म से। कंपाउंड एंट्री बनाने का फायदा तभी होता है प्यारे बच्चों जब दो एंट्रीज में कोई एक अकाउंट कॉमन हो। बहुत बहुत शुक्रिया फाइज साहब। बाकी बच्चे नॉर्मल हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सबको मेरी बात समझ आ गई या नहीं आई? सर तो फिर क्या करेंगे, एक वन ए बनाएंगे एक वन बी। अच्छा अब अगर मेरी बात समझ आ गई तो पॉइंट नंबर टू में अगर कंपाउंड एंट्री बन रही हो तो बनाना, नहीं बन रही हो तो नहीं बनाना। थ्री में कंपाउंड बन रही हो तो बनाना, वरना नहीं बनाना, अलग अलग बनाना। पॉइंट फोर में अलग अलग एंट्री बनाना, और अगर एक जैसी बना सकते हो बना लेना तुम्हारी मर्जी। और पॉइंट फाइव में भी ऐसे ही। अब ये क्वेश्चन तुम्हारा होमवर्क है, बस एक सवाल होमवर्क दे रहा हूँ, ज्यादा होमवर्क के मैं खिलाफ हूँ। कल आपसे इस होमवर्क के साथ मुलाकात होगी इंशाल्लाह। आप चाहते हैं मैं आपको एक और सवाल दूं होमवर्क में? आपका दिल चाह रहा है मजीद पढ़ने का? दो सवाल करना चाहते हैं बताइए। उमैद भाई ने तो बोल दिया नो सर, उन्होंने तो स्ट्रेट मना कर दिया। आप लोग बताएं ना सर, आप लोग मेजॉरिटी का क्या फैसला है? जो मेजॉरिटी, जो लोग चाहते हैं ये और होमवर्क मिले वो हैंड रेस करें, ज्यादा लोग चाहेंगे तो होमवर्क दे दूंगा। कभी कभी आपकी मर्जी पे भी चलते हैं हम, ऐसी बात नहीं है, और कभी कभी अपनी मर्जी चलाते हैं। ओके, आधी से ज्यादा क्लास कह रही है होमवर्क दे दें। तो ये क्वेश्चन 24 आपका हुआ, क्वेश्चन 24 आपका हुआ जनाबे अली, सही है? क्वेश्चन 24 तेरे नाम, तेरे नाम देखिए ना, आप लोगों ने नहीं देखी तो देखिएगा। क्वेश्चन 24 सही प्यारे भाई। फैज भाई हंसी हंसी का अमली नमूना पेश कर रहे हैं हमारे साथ ऑनलाइन, चलें खुश रहिए। चलें जी, ये क्वेश्चन 23 भी होमवर्क बना दिया है। आई होप कि कल आप दोनों सवाल गलत सही से, आप डरते ही नहीं है, आप गलत करें या सही आप काम करेंगे, और जो समझ आएगा करेंगे, जो नहीं समझ आएगा उसके लिए ब्लैंक जगह छोड़ देंगे। कल अल्लाह ने चाहा तो आपसे जरूर मुलाकात होगी। अपने उन दोस्तों को जिन्होंने फीस भर दी है और मुझे अभी तक वाउचर नहीं भेजे उनसे बोलें वाउचर भेज दें, और जो बच्चे फीस भर के भी क्लास लेने नहीं आए उनसे बोलें लाइव क्लास लें, लाइव क्लास की बात अलग ही होती है। ओके जी प्यारे बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह के हुक्म से कल।